सलाम, तकलीफ के लिए माजरत चाहता हूँ। नहीं नहीं, अच्छा हुआ आप आ गए, ये तो बड़े एजाज की बात है हमारे लिए। सब खैरियत तो है ना बुराल साहब? ये मुझे नहीं पता, ये तो हज़ली बता सकती है। देखो मलिक, अपनी बेटी को अकेला नहीं छोड़ना। हज़ल, मेरे ख्याल से हमें जल्दी शादी कर लेनी चाहिए, क्या ख्याल है? तो वो क्या कहेगी? हाँ ही कहना है उसे। मैं ठीक कह रहा हूँ ना बेटी? बताओ बेटी। इसे जल्द से जल्द निपटा देते हैं। ये मेरी बीवी हैं, मलिक वराल साहब। कैसी हैं आप? मेरा नाम वराल है। क्या चाहते हो मेरी बेटी से? मलिक, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। बीच में मत बोलो तुम। हाँ तो बताओ मुझे, मैं सुन रही हूँ। क्या चाहते हो मेरी बेटी से? अगर आपको कोई एतराज ना हो मोहतरमा, तो मैं हज़ल से शादी करना चाहता हूँ। मैं यही बात करने आया हूँ। आपसे एक इल्तिजा है कि ये शादी जल्द से जल्द हो जाए। हम बस इसी बारे में गुफ्तगू कर रहे थे, है ना हज़ल? तुम मेरी बेटी से कब मिले? तुम लोगों को प्यार कब हुआ? इसकी मंगनी हो चुकी है, कल इसकी शादी है। बोलो इन्हें हज़ल। क्या इसे पता नहीं था कि तुम्हारी शादी कल थी? ये मामला मेरे इल्म में है। मैं शादी कर रही हूं बुराल से। तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया हज़ल। तुम किससे प्यार करती हो? तुम्हारा दिल क्या कहता है बेटा? मुझे सच बताओ, तुम किनान से प्यार नहीं करती? बोलो, इससे करती हो? बोलो। मैंने आपको बताया ना अम्मी कि हम शादी कर रहे हैं। उस केनान से पीछा नहीं छूटा अब तक। कहा ना तुम बीच में मत बोलो। तुम लोग आखिर कब मिले? तुम लोगों ने शादी का फैसला कब किया? इसका कल तक एक मंगेतर था जिससे ये बहुत प्यार करती थी। तुम्हें जरा सी शर्म नहीं? एक दिन में ऐसा क्या हो गया? अम्मी बहुत हो गया, गड़े मुर्दे ना उखाड़िए। हमने फैसला साथ लिया है, हम शादी कर रहे हैं और बस। चलते हैं, आप दोनों कुछ बातें वगैरह कर लीजिए आराम से। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अपनी अम्मी को लेके ज्यादा परेशान नहीं होना, वो जल्दी ये सब भूल जाएंगी और अपना लेंगी मुझे। मैं तुमसे शादी करूंगी,
लेकिन मेरी एक शर्त है। तुम मुझे छू नहीं सकते, थोड़ा सा भी नहीं, समझे? समझ आ गया ना? अगर ये हाथ कभी तुम्हें छू ले तो मुझे डर है कि तुम मुरझा जाओगी। मैं तुम्हारे बगैर नहीं जीना चाहता। सर हिलाओ और बोलो कि समझ आ गया है। ठीक है, जैसा चाहोगी वैसा ही होगा। मैंने तो तुम्हें पहले भी नहीं छुआ था, लेकिन पहले मुझे उस इंसान से छुटकारा पाना है जो तुम्हारे दिल में बसा है।